हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी। ये बहुत डिलीशियस होती है और सभी की फेवरेट होती है, मेरी भी है। तो चलिए मैं आपको इसकी सामग्री बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम वेजिटेबल्स लिए हैं, इनको कट कर लिया है। इसमें मैंने गाजर ली है, आलू लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, फूल गोभी ली, पत्ता गोभी ली है और मटर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें गाजर थोड़ी ज़्यादा लिए, 250 ग्राम गाजर हैं तो 250 ग्राम ही दूसरी सब्जियां हैं, टोटल 500 ग्राम ही सब्जियां। गाजर से इसका कलर अच्छा आता है लाल, इसलिए मैंने ज़्यादा गाजर लिए हैं। चलिए आगे बताती हूँ। दो प्याज लिए हैं, इनको कट कर लिया है। दो टमाटर, थोड़ा सा बटर, एक चम्मच पिसी मिर्च छोटी, एक चम्मच नमक और एक बड़ी चम्मच पाव भाजी का मसाला है। यहाँ पर मैंने 10 से 15 लाल मिर्च ली हैं और दो गांठ लहसुन के लेकर इनको छील लिया है। इसकी हम चटनी बनाएंगे, जो कि हम भाजी में भी इसको ऐड करेंगे और अलग से इसकी चटनी भी बनाएंगे। एक नींबू लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। ऑयल लिया है भाजी बनाने के लिए। चलिए तो मैं आपको मेथड बताती हूँ। सबसे पहले जो हमने वेजिटेबल्स कट की है, इनको सबको कुकर में डालना है। एक गिलास पानी डालना है और इनको हमको बॉईल करने रखना है गैस पर। इनको बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि इनको हमको मैश करना पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश करिए कि इसको अच्छे से पका लें। 8-10 सीटी ले लीजिए आप। ये देखिए, गैस पर मैंने वेजिटेबल्स चढ़ा दिए हैं, इनको हम अच्छे से पकाएंगे। तब तक हम हमारी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम भाजी की चटनी बनाएंगे। सब्जियाँ हमने चढ़ा दी हैं। हम इसमें डालेंगे, इसमें हमको भी सिर्फ लहसुन और मिर्च डालनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पतली सी चटनी बनानी है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको पीस लिया है। अब हम इसको दो जगह निकालेंगे। एक चम्मच और दो चम्मच ये हम हमारी भाजी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। बाकी की जो हमें चटनी बनाई है, अब इसको हम तैयार करेंगे। ये हमने हमारी चटनी बना ली है, इसमें हमने दो चम्मच निकाली थी। बाकी की जो चटनी है, इसकी हम चटनी तैयार करेंगे। ये हमने पैन चढ़ा दिए, इसमें हम थोड़ा ऑयल गरम हो रहा है, जीरा ऐड करेंगे। जीरा ब्राउन होने पर ये जो हमने चटनी बनाई है लहसुन और मिर्च की, इसको हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच। अब हमको इसको थोड़ा अच्छे से पकाना है, ताकि मिर्च और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए, हमारी पाव भाजी की चटनी रेडी हो गई है। गैस ऑफ करते हैं, इसको हम पाव भाजी के साथ सर्व करेंगे। बहुत अच्छी लगती है उसके साथ। निकाल लेते हैं इसको। ये हमने सब्जी में 8 सीटी ले लिए, गैस ऑफ कर दिए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। इधर हम हमारी पैन चढ़ा देते हैं, हमारा मसाला सेकेंगे। इधर हमारा मसाला सेकेंगे और इधर हमारी सब्जी हम अच्छे से मैश लेंगे। ये ऑयल गर्म हो रहा है, एक चम्मच डाला था मैंने। ये हम सब्जी अच्छे से ऐसे मैश कर लेंगे। ये बिल्कुल गुज्जू में अच्छी लगती है। ये गाजर मैंने लाल डाली है ज़्यादा, इससे अच्छा लाल दिखती है, कलर अच्छा आता है इसका।
हम हल्दी नहीं डालते हैं पाव भाजी में। ये जो मैं लाल चटनी डालूंगी इसमें, इससे भी इसका कलर अच्छा आता है, बनती भी अच्छी है। चलिए तेल हमारा गर्म हो रहा है, देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम सबसे पहले चटनी डालेंगे जो मैंने पीस के रखी थी, 2 चम्मच निकाली थी वो हम इसमें डालेंगे। ये सादा चटनी है, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं है। लहसुन और मिर्ची कुछ और इसमें प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा इनको भूनना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हमको अच्छे से पकाना है। साथ में हम किचनी डालेंगे, नमक डालेंगे और पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे। टमाटर थोड़ा पक जाए हमारे, ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इसमें हमारी जो मिक्स वेज है इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम मिर्ची की सब्जी में। थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि मसाले और सब्जियां अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हमारी पाव की भाजी बिल्कुल रेडी है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और मक्खन डालेंगे। चलिए हमारी भाजी तैयार हो गई, हम हमारे पाव की तैयारी करते हैं। जी देखिए हमारे पाव और बटर है, अब हम इनको सेकेंगे। गैस ऑन करते हैं, इनको बटर से सेकेंगे, बटर से अच्छे सेकते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, इस पर मैंने बटर डाल दिया। हमारे इस पर पाव रखेंगे। पाव को हमको अच्छे से सेकना है। आप इनके 2-2 पीस करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं और वैसे ही ऐसे भी हो जाएंगे। इनको अच्छे से सेकना है। ये देख रही पाव हमारे सेक रहे हैं, इनको अच्छे से ऐसे प्रेस करके सेकना है। दोनों साइड से सेकेंगे। ये देखिए पाव टर्न करके मैंने चारों तरफ से अच्छे से सेक ली बटर डाल के। ये देखिए पाव हमारे अच्छे से सिक गए, गैस ऑफ कर दी मैंने। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। भाजी डालेंगे हमारी, बहुत ही अच्छा कलर आया भाजी का। पर हम थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड करेंगे, मक्खन डाल ही दिया हमने। प्याज आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये हमारी चटनी आप ये ज़रूर बनाइए, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है चटनी। प्याज के ऊपर हम नींबू निचोड़ेंगे और थोड़ा सा भाजी के ऊपर भी।
तो ये देखिए हमारी डिलीशियस पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, आप भी बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।